दस लड़के, तीन लड़के 15-20 मेरे भाई को बुला के लेके गए, बोले दोस्त बुला रहे चलो भाई चलो भाई, मेरे भाई को ले जाके गली में सब बुरी तरह मारे, कपड़ा ठूस के। पूरा मामला बताइए, कहाँ का मामला है, कौन बच्चा? सुकुलपुरा, सुकुलपुरा सुकलेश्वर के पास, सुकुलपुरा सराय नंदन सोजवा बनासी नहीं, शुक्लेश्वर महादेव मंदिर के पास मेरे भाई को मुँह में कपड़ा ठूस के डंडे से मारा गया। मोदी जी, योगी जी, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, ये उसका बाप है, मैं उसकी बहन हूँ, उसके जैसे मेरे बाप को दर्द हो रहा है वैसे उसके बाप को भी दर्द होना चाहिए, उसको फांसी की सजा चाहिए, 15 के 15 लड़कों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और पहली चीज उसका नहीं है, आप सुनिए, पहली चीज पुलिस का केस हम लोग का 8 दिन हो गया, ये चीज हो गया, अब पुलिस आपको क्या करिए आज? अरे सर, आपकी केस अभी हो रही है, केस हो रही है आपकी, चीज 8 दिन, अच्छा बताइए 24 घंटे में कितने, आपको पता है पहले केस दर्ज हो जाता है, मर्डर केस में किस तरह की मांग की जा रही है आपकी तरफ से? मेरी मांग यही है कि बच्चों को, हमारे बच्चों को सजा मिले, और जो लड़के जो भी अपराधी हैं, कम उम्र के हैं, आगे दूसरे बच्चों के भी साथ यही गलत हो सकता है, उन सबों को पकड़े, सजा हो, उनको फांसी हो, उनका मकान गिरा जाए, जो योगी बाबा बोले कि अपराधियों का घर गिरेगा, हमारा बच्चा 142 तक नहीं खाता था, नशा नहीं करता था, मुजरिम से पूछा जा रहा है तुमने क्या किया, ऐसे कैसे वो होगा मेरे भाई का, ऐसे पूछा जाता है, हम आप मेरा कत्ल करके हमसे बोलिए कि मेरा मुजरिम कहाँ है, ऐसे पूछा जाता है, वो तुझे रिपोर्ट पहले मर्डर केस में रिपोर्ट और फास्ट आना चाहिए नहीं, यहाँ पर अभी तक रिपोर्ट नहीं कर रहे पुलिस, पूछ सकते रिपोर्ट कहाँ है, लड़के का लास्ट चलने वाला है, रिपोर्ट कहाँ है, रिपोर्ट तो आ जाना चाहिए, कुछ रिपोर्ट नहीं आया, कुछ नहीं, अरे अभी रिपोर्ट अभी आएगा, कल परसों में हमसे बोला था रिपोर्ट अभी आएगा, तब ना आपको जाकर मुस्लिम को पकड़ा जाएगा, मेरे भाई को जब ये आपके सामने पकड़ा गया है, लड़के के मुंह में पोंछा गया है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम मट्टी नहीं उठाएंगे।